राजस्थान के जालौर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में 70 वर्षीय वृद्ध को बहू और दो पोतियां पूरी तरह घसीटकर मारपीट करती नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही 6 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। राजस्थान के जालौर के हालीबाव गांव में वृद्ध को बहू और दो पोतियां बुरी तरह घसीट रही हैं और उसके साथ मारपीट कर रही हैं। यह वीडियो व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक पूरे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कई लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। मानवता और रिश्ते को शर्मसार करने वाला यह वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि इस वीडियो के पीछे के सच से सभी अनजान हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो को अलग अलग जगह का भी बताया जा रहा है। यह वीडियो राजस्थान के जालौर का है। वीडियो में जिस जगह वृद्ध को बुरी तरह घसीटा और पीटा जा रहा है वह हालीबाव गांव की वासी भियाराम बिश्नोई है। वीडियो में जो वृद्ध को घसीट रहे हैं वे उसकी बहू और दो पोतियां हैं। ASP जालौर ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर इस वृद्ध की यह दुर्दशा की जा रही है। यह 9 मार्च की घटना है। घटना के बाद वृद्ध भियाराम ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। वृद्ध का सरकारी अस्पताल में मेडिकल भी करवाया गया। मामले में जालौर पुलिस पूरी तरह असंवेदनशील बनी हुई है, लिहाजा मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। पुलिस की लापरवाही की हद तक पार हो गई जब पुलिस अधिकारियों को भी वीडियो वायरल होने के बाद ही मामले की जानकारी मिली। हालांकि अब देखना होगा कि मामले में जालौर पुलिस कितनी संवेदनशीलता दिखाती है और कब तक ठोस कार्रवाई करती है। अभी भी मुख्य आरोपी बकोर दो पोतियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई।